नमस्कार साथियों, आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर को आपका सेकंड शिफ्ट का जो RRC ग्रुप बी का एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 27 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, सभी प्रश्न आपके जो स्टूडेंट हैं सभी को याद नहीं रहते हैं सभी प्रश्न, तो आपके लिए PDF की व्यवस्था की गई है, जो कि दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा होली जो उनका जिनका एग्जाम है उनके लिए दोस्तों आपका जो PDF तैयार किया गया है 17 अगस्त से लेकर आज तक का PDF ऑनलाइन फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर वो आप देख लेते हैं तो अधिकतम जो रियल प्रश्न है आपका रिपीट हो रहे हैं। तो PDF को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिला था। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला सबसे इजी प्रश्न आपको देखने को मिला वो है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, वो कौन होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं, ठीक, उपसभापति चुने जाते हैं, लेकिन आपका जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में बात करें कि सभापति कौन है, तो सभापति भारत के जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, जो कि हाल ही में 2022 में बने हैं, वो आपका राज्यसभा के सभापति हैं। इसके अलावा उपसभापति की बात करेंगे तो हम लोग तो उपसभापति आपका हरिवंश नारायण सिंह जी आपके उपसभापति हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन जिससे पूछा गया था आपका कि हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत के किस शहर करेगा, भारत का कौन सा शहर करेगा। आप लोग को मालूम होगा जो 2023 का जो पुरुषों का हॉकी विश्व कप होना है वो दोस्तों आपका 15वां संस्करण होगा और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा आयोजित विश्व चैंपियनशिप है, और ये दोस्तों भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में और भारत में राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 13 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तो आपको भुवनेश्वर से पता चल गया होगा कि भारत के किस राज्य में आपका आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा का राजधानी है, तो उड़ीसा में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में ही आपका आयोजित किया जाना है 2023 ईस्वी में 13 से 29 जनवरी तक के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1915 से 1916 के मध्य में दो होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। आपको जब पूछा गया था बाल गंगाधर तिलक का होम रूल के बारे में तो उसी में आपको कह दिए थे कि एनी बेसेंट का भी होम रूल आपसे पूछा जा गा। तो पुणे में जो होम रूल लीग की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक किया था, और मद्रास में जो होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने की थी। तो आज के आपके ऑप्शन में एनी बेसेंट था, तो एनी बेसेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको, पुणे में आपका बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में आपका एनी बेसेंट, आपका जो ईस्वी है दोनों का आपका सेम ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था CnH2n-2 किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये दोस्तों आपका एल्काइन का रासायनिक सूत्र है, तो CnH2n-2 आपका एल्काइन का रासायनिक सूत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन में दोस्तों CnH2n+2 हो जाएगा, एल्काइन में -2, एल्केन में +2, और जब कुछ नहीं ना प्लस होगा ना माइनस होगा तो आपका एल्कीन का सूत्र हो जाएगा। तो इन तीनों को दोस्तों आप याद कर लीजिए या माइंड में रख लीजिए, इन तीनों से अधिकतम जो शिफ्ट होते हैं सभी शिफ्टों में एक नए प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पंचायत से संबंधित कौन सा आर्टिकल आपका है निम्नलिखित में से। तो आपका इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान भाग 9 को जोड़ा गया था, कौन सा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था, पारित 1993 में हुआ था, ठीक। तो भाग 9 जोड़ा गया था, मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा है, जो कि आर्टिकल 243 में किया गया है। तो आपके पास 243 नंबर ऑप्शन था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भाग 9 में पंचायत नामक शीर्ष के तहत अनुच्छेद 343 से लेकर 343 न, और अंग्रेजी में बात करेंगे तो 243 से 243 ओ तक पंचायती राज का संबंधित उपबंध है। तो आपका अनुच्छेद 243 था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। इलायची की पहाड़ी दोस्तों जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है, कार्डमम पहाड़ी एक पर्वत, उसी के नाम से दोस्तों आपका इलायची पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन आपके ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं था तो केरल था, दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो आपका केरल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, तो आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इलायची पहाड़िया भारत के पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डम में म का हिंदी अर्थ होता है इलायची। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत की एक दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है, जो कि अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है और पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। तो आपका बिल्कुल केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत लोगों का कहना है, क्योंकि आपका ऑप्शन में तमिलनाडु था ही नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंधित है। तो शिया और सुन्नी धर्म की बात करेंगे दोस्तों, तो ये मुसलमान समुदाय का
संबंधित है। मुसलमानों में मोटे तौर पर शिया और सुन्नी को दो समुदायों में बांटा गया है। ये दोनों ही समुदाय मुस्लिम समुदाय के इस्लाम के बुनियादी पांच उसूलों के साथ साथ कुरान और अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद का एक राय रखते हैं। तो आपका मुसलमान धर्म से संबंधित था आपका शिया और सुन्नी। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जूडो चैंपियनशिप कौन जीता था? तो भारत की लिथुमई चनमम ने विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में जीता था स्वर्ण पदक। तो आपका ऑप्शन में लिथुमई चनमम आपका बिल्कुल दिया गया था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपके आपका कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक, तो बात करें दोस्तों पंचवर्षीय योजना का, तो एक आपका भारत की राष्ट्रीय योजना होती है जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग के द्वारा विकसित और कार्यान्वित की जाती है। ठीक, आपका 8वीं जो पंचवर्षीय योजना का वर्ष था वो आपका 1974 से लेकर 1979 तक का था। और उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री की जब बात की जाएगी तो उस समय आपके जो प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव थे, जो कि दोस्तों आपके ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी थे। ठीक, और उपाध्यक्ष की जब बात की जाएगी तो उपाध्यक्ष दोस्तों आपका प्रणब मुखर्जी, जो आगे चलकर आपका राष्ट्रपति भी बने थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, समुद्र के किनारे स्थित कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? समुद्र के किनारे कोई आपका सौर ऊर्जा प्लांट पूछा था, सबसे बड़ा तो तुतीकोरन शायद ऑप्शन में दिया गया था, तो शायद आपका राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शन मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या दिया गया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कोवैक्सीन से रिलेटेड, कोविड का जो कोवैक्सीन वैक्सीन आपका कोवैक्सीन उससे संबंधित पूछा गया था कि इसको किसने बनाया है। प्रश्न आपका हालांकि घुमावदार था लेकिन इसका जो आंसर होगा आपका भारत बायोटेक ने बनाया देश का पहला कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन, जुलाई से शुरू होगा किसानों पर परीक्षण। ठीक, तो आपका भारत बायोटेक बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जो कि कोवैक्सीन बनाया है। ठीक, कोविशील्ड कौन बनाया है? तो कोविशील्ड आपका सीरम इंस्टीट्यूट बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो संस्कृत दोस्तों संस्कृत भाषा की जब बात की जाएगी तो ये आपका हिंद आर्य भाषा है, जो कि हिंद यूरोपीय भाषा परिवार का एक शाखा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बाजारों की रोमानी भाषा भी आपका शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। तो अपना ऑप्शन से देख लीजिएगा कौन सा आपका ऑप्शन दिया गया था, हिंदी था, बंगला था, मराठी था, सिंधी था, पंजाबी था। इसके अलावा जो ऑप्शन दिया गया था आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आवर्त सारणी में धातुओं को किस समूह में रखा गया है? तो दोस्तों आवर्त सारणी की जब बात की जाएगी तो पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु के रूप में रखा गया है, तो पहला समूह आपका दिया हो गया होगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपका लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज आपका डी सी डी दुबे ने किया था। इसका कार्य कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थ का विघटन करना है। लाइसोसोम का जो निर्माण होता है गोल्जी क्वाय में होता है, तो आत्महत्या की थैली आपका लाइसोसोम को दोस्तों कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद क्या बनता है? इस तरह का कोई प्रश्न आपका पूछा गया था। तो बात करें दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन आपका मुक्त होता है। शोषण में इसके विपरीत ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन क्या गया था वो आप ही बताइएगा, क्वेश्चन कन्फर्म दोस्तों नहीं है। अगला दोस्तों पूछा गया था कि बाल संरक्षण दिवस 2022 जो आपका हाल ही में मनाया गया है वो आपका कितने नंबर का बनाया गया है? ठीक है, तो बाल संरक्षण अधिनियम जो 2022 की बात करेंगे दोस्तों, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPR ने 1 मार्च 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपका 17 ऑप्शन में दिया गया था, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाएगी तो कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि थी वो आपका महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक, तो ATP के फुल फॉर्म की बात कर किया जाएगा दोस्तों, तो आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका ATP का फुल फॉर्म होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि 31 अक्टूबर को एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों बात करें एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार ने 2014 में इस दिन की शुरुआत की थी। किस दिन की? तो एकता दिवस की शुरुआत। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? तो दोस्तों क्या पूछा गया था क्वेश्चन तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक धातु है वो आपका चांदी सबसे राइट आंसर हो जाएगा। अगर चांदी दिया होगा तो आपका बिल्कुल
करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि जब तरंग पानी से हवा में जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, इस तरह का भी कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न आपका क्लियर नहीं है। इसके अलावा पूछा गया था आपका कि लैक्टिक अम्ल कहाँ किसमें पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे दोस्तों तो इससे प्रथम स्वीडन के रासायनिक विज्ञानी कार्ल विलहेल्म ने सिले ने 1870 में विलगति किया था, मतलब हो रहा था। लैक्टिक अम्ल एक कार्बो सिलिक अम्ल है जिसका जो अनुस्रोत होता है C3H6O3 होता है। मांसपेशी में इस अम्ल को एकत्रित बनाने से थकावट पैदा होता है। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो आपका बॉडी में बात की जाए तो मांसपेशियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि जब दो नदी आपस में मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है, इस तरह का प्रश्न आपका नहीं था, प्रश्न अच्छा घुमावदार था, स्टूडेंट बता नहीं पाए, लेकिन इतना जरूर पता है कि दो समांतर नदी बह रही है उसमें कोई 90 डिग्री का अविलंब आता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या किसका आकार लेता है, वृक्षनुमा आकार, इस तरह से कोई आपका ऑप्शन बताए थे तो आपका देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे तो उसको पीडीएफ में शामिल कर दिया जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक, मतलब कि 18 सितंबर नहीं अभी तक का, मतलब कि जितना फोर्थ फेज तक एग्जाम हुआ है सभी का PDF लेना चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में तो माध्यमिक के चैनल पर ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट नए वीडियो में, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।